रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। गोविंदा की बेटी को सलमान खान ने कर दिया बर्बाद। बेटी ने किया बेहद चौंकाने वाला खुलासा। मुंबई एक समय था जब बॉलीवुड में गोविंदा की फिल्में देखना लोग बेहद पसंद करते थे। गोविंदा ने अपनी शानदार कॉमेडी से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। 90 के दशक में गोविंदा की फिल्में लोगों के दिलों, दिमाग और सिर चढ़कर बोलती थी। 90 के दशक में गोविंदा जब भी बड़े पर्दे पर दिखते लोग उनके दीवाने हो जाते। 165 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके गोविंदा बॉलीवुड के बेहतरीन डांसर्स में शुमार हैं। डांस के अलावा उनकी एक्टिंग भी बेहद कमाल की रही है। 21 सितंबर 1963 को मुंबई में जन्मे गोविंदा ने बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया और अब वो फिल्मों से दूर हैं। लेकिन इन दिनों गोविंदा की बेटी टीना बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। सलमान इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो न्यू टैलेंट को लॉन्च करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यही वजह है कि कई हीरोइनें आज भी उन्हें बॉलीवुड में अपना गॉडफादर मानती हैं। इसी वजह से सलमान के साथ काम करने के लिए हर हीरोइन कोशिश करती है। उन्होंने कैटरीना, डेजी शाह और सुरंज पंचोली जैसे स्टार्स को बॉलीवुड में डेब्यू करने में मदद की है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान ने अपने करीबी दोस्त गोविंदा की बेटी टीना को भी लॉन्च करने का वादा किया था, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए। हालांकि गोविंदा की बेटी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं, लेकिन अभी उन्हें वो पहचान नहीं मिल सकी है जो मिलनी चाहिए थी। ऐसे में गोविंदा की बेटी टीना ने अपने पिता के बारे में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने सेकंड हैंड हस्बैंड से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इससे पहले ऐसी अफवाह थी कि उन्हें सलमान खान अपनी किसी फिल्म में लॉन्च करने वाले हैं। टीना ने हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान कहा कि गोविंदा ने कभी भी सलमान से ये नहीं कहा थी कि वो उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च करें। गौरतलब है कि साल 2007 में आईफा पुरस्कारों के दौरान टीना सलमान के साथ दिखी थी, जिससे बाद ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि वो जल्द ही सलमान की किसी फिल्म से डेब्यू कर सकती हैं। बाद में ऐसी खबरें आई थी कि सलमान उन्हें अपनी फिल्म दबंग में लॉन्च करेंगे, लेकिन उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को लॉन्च किया। बता दें कि सलमान ने बॉलीवुड में कैटरीना कैफ, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, सूरज पंचोली और अथिया शेट्टी जैसे एक्टर व एक्ट्रेस को लॉन्च किया है। इसके अलावा गोविंदा की बेटी टीना ने कहा कि उनके पिता के पास अपनी बेटी को लेकर फिल्म बनाने का समय नहीं है। ऐसी अफवाहें इन दिनों उड़ रही है कि गोविंदा ने सलमान को अपनी बेटी टीना को लॉन्च करने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस वजह से दोनों के बीच काफी दिनों तक तनाव रहा, लेकिन बाद में यह सिर्फ एक अफवाह ही निकली।